दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,35,00,000 को पार कर गई है, जबकि अब तक 8,12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में 1,60,00,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं और दुनिया भर में अभी भी 67,00,000 के करीब एक्टिव केस मौजूद हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,00,000 को पार कर गई है। देश भर में कोरोना से अब तक 31,06,349 लोग संक्रमित हैं और देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 57,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। कोरोना से अब तक 57,542 लोगों की मौत हुई है और देश भर में कोरोना के अब तक 23,38,036 मरीज ठीक हुए हैं और देश भर में कोरोना के 7,10,771 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 61,408 कोरोना संक्रमित नए मिले हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना से 836 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57,468 मरीज ठीक भी हुए हैं। राजस्थान में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में आज 585 नए संक्रमित मिले। जयपुर से 167, बांसवाड़ा की बात करें यहां से 11, चूरू से 30, कोटा से 40, अलवर में 41 और जोधपुर से 182, प्रतापगढ़ में 25, हनुमानगढ़ से 17, भीलवाड़ा से 42, जालौर की बात करें यहां से 3, बाड़मेर में 27 नए कोरोना संक्रमित मिले और इसी के साथ संक्रमितों की संख्या प्रदेश में बढ़कर 71,194 हो गई है। राजस्थान में आज कोरोना से 6 लोगों की जान भी गई और अब तक 161 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की चपेट में आने से। 14,790 एक्टिव केस फिलहाल प्रदेश में कोरोना के हैं।